उत्तर प्रदेश के बरेली में एसएसपी ऑफिस में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। एसएसपी ऑफिस गेट पर दरोगा की पिटाई। महिला ने दरोगा पर लगाया शोषण का आरोप। महिला के मुताबिक दरोगा मोहित चौधरी ने उसको झूठे मुकदमे में भेजा था जेल। एसएसपी ऑफिस में दरोगा को देख महिला ने खोया आपा। बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर की रहने वाली है महिला रुखसाना। घटना के बाद सीओ प्रथम श्वेता यादव और कोतवाल हिमांशु निगम पहुंचे। उससे पहले महिला थाने की महिला पुलिस उस महिला को महिला थाने ले गई। महिला के साथ पूछताछ जारी है। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही है और काउंसलिंग कराई जा रही है। डॉक्टर बुलाकर महिला की जांच कराई जाएगी। बरेली के एसएसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है। ये महिला थाना बहेड़ी क्षेत्र के फरीदपुर गांव की है और इसने अलग अलग स्तर पर कई जगह प्रार्थना पत्र दिए हैं। आज एसएसपी दफ्तर के बाहर एक दरोगा के ऊपर हमला कर दिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त मालूम होती है। डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। महिला थाने में इसकी काउंसलिंग की जा रही है और ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मानसिक स्थिति का पता चल पाएगा। कुछ नहीं छोड़ा मिसाल ना पुलिस ने और ना उन्हीं मेंबरों ना घंटा और इसमें सनी मेंबर भी था और सनी मेंबर था और विकास मेंबर था, पप्पू एंटीना था, जलील टेंट था। विकास मेंबर पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर पप्पू एंटीना, सुनील मेंबर ठीक है और गुड्डू मेंबर, दूसरा सुनील मेंबर गुड्डू मेंबर, दूसरा सुनील मेंबर, दूसरा सुनील मेंबर है, नरेश मेंबर, नरेश मेंबर, आमिर मेंबर, नरेश मेंबर, आमिर मेंबर। इस दरोगा ने कहा कि दसों मेंबर तेरी गवाही दे रहे हैं झूठी और आधा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, पूरा गांव तेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। मैंने कहा बात सुनो, मेरे सामने पीछे पंचायत करते हो, दिल्ली नकलो मुंबई होती हूँ मैं, ये बरेली मेरे सामने में, आप चौकी पे आई हूँ, अब तुम सबको मेंबरों को बुला लो, आधे गांव को बुलाओ, पूरे गांव को बुलाओ, किसी के नाम तो दरोगा पे क्या आरोप है? दरोगा पैसा खा के दबा रहा, सब मेरा सब कुछ करा है। इस दरोगा ने कहा आसपास पुलिस के चौकी के सामने बता दीजिए, रेप हुआ तुम्हारा, दुष्कर्म हुआ, किसी ने मेडिकल नहीं करवाया, मैं समझ आप भागी दौड़ी फिरी और बोला तेरा ढाई साल पहले काउंटर कर दूंगा, हाँ ढाई साल पहले काउंटर कर दूंगा, तेरा हिंसा इनकाउंटर आइए मत, आज तक झाकी मत। उससे बोला जितने जोर में लगा मिला लगा ले, तू चौकी को हड़वा दे। मेरी सुन, तेरा ना ठेका है ना तेरा बीमा है ना तेरी एजेंटी है इनकी, तेरी आज नौकरी है ना कल कहीं परसों कहीं, तूने जिंदगी ठेका लिया कहीं मरे या मैं मुर्दा गिर गया, तुझे जिंदगी को मुर्दा कर, तुम्हें जेल भी भेजा गया। हाँ मैं जेल में बंद रहेगा आई हूँ। क्यों बंद रही ही बात, मैंने सबने जेल में भेजा, इसने पैसा खा के किस मामले में जेल भेजा, इसी मामले में जेल भेजा है, एक गाड़ी लाया मोहित चौधरी। तुम्हें किस बात, मुझे हिंद बुलाया था कि जब तेरी चाचा ही रही है ढाई महीने में, चाचा ही डीआईजी साहब के हुआ मैडम ने कब भेजा था जेल, ढाई महीने हो गए, ढाई महीने पहले रमजानों में तेरी जांच ही रही, तेरी जांच का भी सबूत नहीं मिले हैं। बहरी थाने मुझे नंबर दिया नहीं लिया, मेरा नंबर चौकी पर बहरी थाने में नंबर नहीं लिया, मुझे बैठा लिया, सब पुलिस बुलाई थी, इस बार का दिन रखा बरेली की सारी पुलिस थी, मैं सब पुलिस में देख रही थी, एक लेडीज हाथ पकड़े किधर पकड़े, मुझे लेगी लेडीज पुलिस पहले अस्पताल में ले गई, मेरा रमजान था, मेरे रमजान मुक भी जाया मेरा, मेरी कोरोना थोड़ी कोरोना जा, समझ गया मैं, समझ गया मैं और बोलूंगी अभी, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है तुमने, इसकी मेरी जांच कराओ, इसकी रिपोर्ट कराओ, एक्सरे कराओ। प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस ऑफिस के बाहर एक महिला बहेड़ी क्षेत्र की जो कि काफ़ी तेज से चिल्लाती हुई आई और एक दरोगा से उलझ गई। जब पूरा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पता करने की कोशिश की गई तो ये पता चला है, प्रथम जो दृष्टि में आया है कि इस महिला ने कई अलग अलग प्रार्थना पत्र पिछले थानों पर दिए, अलग अलग स्तरों पर दिए, जिनमें अधिकांश मामलों में दरोगा या जो भी विवेचक जाँच अधिकारी रहे हैं उनमें ये पाया गया कि उनके जो आरोप हैं असत्य पाए गए या अन्य मामलों में उनके द्वारा समझौता कर लिया गया जिसकी कि छाया प्रति इसमें लगी हुई है। और ये जो दरोगा जी आए इन्होंने भी एक जांच उसकी करी थी तो इसी बात को छुप धो करके इस महिला ने पीछे से धक्का देने की कोशिश करी और तेज़ी से आवाज़ में गाली गलौज इत्यादि करते हुए, ऐसा प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रहा है कि मानसिक रूप से अभी स्थिर नहीं है वो और उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है महिला थाने पर, काउंसलिंग बुला करके डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई है और कोशिश की जा रही है कि वो शांतचित होकर अपनी बात कहें और एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे कि क्या बात उनकी कितनी उसमें सच्चाई है या कितनी उसमें क्या चीज़ें हैं और अग्रिम कार्रवाई जो सच होगा उसके आधार पर की जाएगी। महिला ने भी प्रार्थना पत्र दिया है उसमें क्या आरोप लगाया, क्योंकि उसमें रेप की कोई बात सामने ये जो प्रार्थना पत्र कई बार अलग अलग पटलों पर वो दे रखी है और कई बार उसमें जाँच भी हो रखी है, उसमें 15 वर्ष पूर्व की हवाला उसने दे रखा है किसी व्यक्ति के नामजद कि वो व्यक्ति से उसने उसके साथ दोस्ती करी और शादी किसी दूसरे के साथ कर ली। अलग अलग समय पे इसकी जांचें भी हुई हैं और
15 वर्ष पूर्व का प्रकरण है, उसको भी पुनः उसको गहराई से उसको देखा जाएगा और काफ़ी मानसिक रूप से मतलब अभी फिलहाल वो शांत चित्त नहीं लग रही हैं और उनसे शांत जब वो शांत हो जाएंगी तो बात करी जाएगी, काउंसलिंग कराने की कोशिश की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।